Hello guys, so the foodie pants are back with your personal favorite wet cheese grill sandwich. Sandwich हमारा favorite इसलिए है क्योंकि इसको बनाने के लिए जो भी ingredients हमको चाहिए होते हैं वो normally घर में available होते ही हैं. सैंडविच में क्रंचीनेस ऐड करने के लिए हम इसमें लेटस डालते हैं, बट अगर लेटस अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हमको ब्रेड को टोस्ट करना है. पैन में जरा सा बटर लीजिए और अपने ब्रेड को टोस्ट कर लीजिए. टोस्ट करने का फायदा ये होता है कि बाद में मुझे ज्यादा नहीं पकाना पड़ेगा ब्रेड्स को, एंड ब्रेड ऑलरेडी मेरी क्रंची रहेंगी. मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं अपनी जो वेजिटेबल्स हैं मैं उनको भी मैं एक बार ग्रिल कर लूँ, सो दैट कि जो रॉनेस इसमें है वो चला जाए. बट अगर आपको पसंद है, आपको रॉनेस से प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इनको बिना ग्रिल करे भी खा सकते हैं. तो आपको इन वेजिटेबल्स को सिर्फ तब तक के लिए ग्रिल करना है कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बिकॉज हमें चाहिए कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो क्रंची रहे, उनमें एक बाइट होना चाहिए. So, अब बारी है हमारे सैंडविच को स्टैक करने की. तो सबसे पहले आप ब्रेड पे अपने पसंद का कोई भी स्प्रेड आप लगा सकते हैं. मैं यहाँ पे वीवा का चीज एंड चिली यूज कर रही हूँ. अपनी वेजिटेबल्स को आपको स्टैक करना है. आपको जितना भी आपको वेजिटेबल चाहिए, आपको जितना मोटा लेयर चाहिए, पतला लेयर चाहिए, कम वेजिटेबल, ज्यादा वेजिटेबल, आप उसको उस तरीके से बनाइए. सीजनिंग के लिए आप इसमें सॉल्ट, चिली, ओरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपका जो स्प्रेड है वो फ्लेवर वाला नहीं है, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट एडेड नहीं है, तो आपको इसमें सॉल्ट भी डालना पड़ेगा. सिंस जो मैंने यहाँ पे स्प्रेड यूज़ किया है उसमें सॉल्ट एंड चिली पहले से ही होता है, तो मैं सिर्फ ओरिगेनो का इस्तेमाल कर रही हूँ. अब मेरी जो ब्रेड है वो ऑलरेडी टोस्टेड है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसको और ज़्यादा पकाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वार्म रहे. तो आप चाहें तो आप इस सैंडविच को माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर आप इसको तवे में ही आप इसको वार्म कर लीजिए. यहाँ पे मैं एक लेयर चीज़ का लगा रही हूँ, और इसमें जो बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं इसमें डालूंगी. सो मेरा ये ट्रिपल लेयर सैंडविच टाइप का बन जाएगा. आप इसमें प्रोसेस चीज, मोज़रेला चीज, पिज़्ज़ा चीज, चीज स्लाइस, आपको भी जो पसंद है या फिर जो अवेलेबल है घर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं भी है तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा. अब इस सैंडविच को थोड़ा सा वार्म करना है, तो इसको आप ढक के पका लीजिए. सो ये एक टेस्टी, क्रंची, यमी सैंडविच तैयार है. आप इसको किसी भी सॉस या डिप के साथ आप खा सकते हैं. So thank you for watching friends, please subscribe to our channel, like our video, share it with your friends. Till then, bye bye.